पीलीभीत पुलिस अधीक्षक का पीआरओ बनकर डॉक्टर के साथ धोखाधड़ी कर धनराशि ठगने वाले साइबर अपराधी को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधी का लंबा आपराधिक इतिहास है। पुलिस ने आरोपी अभिषेक शुक्ला को घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। पीड़ित ने बताया कि उनके पास एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी बनकर अपने मोबाइल से सुविधा शुल्क हेतु 10,000 रुपए की मांग की गई, जिसके बाद पीड़ित ने अज्ञात व्यक्ति के झांसे में आकर गूगल पे पर 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया। आज साइबर पुलिस द्वारा अभियुक्त अभिषेक शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, 23 तारीख को पीलीभीत पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो कि अपने आप को पुलिसकर्मी, कभी चौकी इंचार्ज, कभी SP सर का PRO बताकर ठगी कर रहा था। तो प्राप्त शिकायत के आधार पर हमने इसको ट्रेस बैक किया है और आज इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इनका नाम अभिषेक शुक्ला है तथा इनके खिलाफ पहले भी काफ़ी अपराध रहे हैं। ये लखीमपुर खीरी के गोला के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार का साइबर अपराध इनके खिलाफ पहले हमको नहीं मिला है, परंतु इनके खिलाफ गंभीर अपराध पहले हैं। तो अभी ये पहला मामला है जो साइबर का खुला है और इसमें इसका मोडस ऑपरेंडी बहुत ही सिंपल रहा है। इसने क्या किया, 15 जुलाई को एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी पूरनपुर में अस्पताल में, तो उसका इलाज जिस डॉक्टर ने किया था, डॉक्टर यूसुफ, तो उनके खिलाफ पब्लिक में काफ़ी रोष था। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने डॉक्टर यूसुफ को कॉन्टैक्ट किया, जिसका कॉन्टैक्ट इनको पीलीभीत में एक व्हाट्सएप ग्रुप से मिला। उनको कॉन्टैक्ट करके इन्होंने 10,000 रुपये की मांग की कि ये मांग SP सर द्वारा की जा रही है और मैं उनका PRO बोल रहा हूँ ऐसा दिखाते हुए। तो उसी प्रकरण में आज इनकी गिरफ्तारी हुई। सर, मुकदमा कहाँ लिखा गया था? मुकदमा साइबर थाने पे लिखा गया है। मुकदमा नंबर 3 साल 2000